hello dear students welcome you all on amit bangad official channel on youtube today we are discussing with class 9th chapter number second whose name is is met around as pure so it is represented by bright future academy and if you like the video then please like press the like button and share the link

हम चाहते हैं कि हम वो प्योर फॉर्म में लें इम्प्योर तो चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है मिक्स वाली चीज़ जैसे अगर आपको मिल्क के अंदर वाटर दे दिया जाए मिल्क प्लस वाटर तो आप लोग तो नहीं लेना चाहोगे ना उसको तो स्टूडेंट्स हम अपने चारों तरफ से सारी चीज़ें प्योर ही लेना चाहते हैं बट टू दे रियली प्योर क्या वो सच में प्योर हैं इन डेली रूटीन वी एज्यूम दैट प्योर इज एनी थिंग विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ अनयूजेबल पार्ट लाइक वाटर इन मिल्क स्टूडेंट्स हम तो यही सोचते हैं हमारे लिए तो प्योर चीज वो है जिसके अंदर हमें कोई चीज नहीं चाहिए वो उसके अंदर मिक्स ना हो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर इन मिल्क तो हम मिल्क को प्योर कम मानते हैं जब उसके अंदर वाटर ना मिक्स कर रखा हो तब हम उस मिल्क को क्या मानते है? हैं प्योर मानते हैं बट इन साइंस प्योर मींस एनीथिंग मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स साइंस कहती है कि प्योर चीज वो है जिसके अंदर सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है नॉट मोर देन वन मोर नॉट मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स नाउ वी कैन से दैट मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट विटामिन्स प्रोटीन्स एट्सेट्रा तो उस जैसे हम क्या कह सकते हैं मिल्क क्या है मिक्सचर है ना मिल्क इज मिक्सचर नॉट प्योर साइंस इसको मिक्सचर मानती है साइंस क्या मानती है इसको मिक्सचर बट वी एजूमिट वैन वॉटर इज नॉट इन मिल्क दैन इट इज प्योर हम तो यही सोचते हैं कि मिल्क के अंदर अगर वॉटर नहीं है तो वो प्योर है लेकिन साइंस तो इसको क्या कहती है मिक्सचर है साइंस के अकॉर्डिंग प्योर की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट आती है स्टूडेंट्स उसके बारे में भी हम अब आगे डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो लेट स्टार्ट आवर लेसन टाइप्स ऑफ मैटर एज वी नो मैटर इज एनी थिंग विच इज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर there are two types of matter first one is pure substance second one is mixture first one is pure substance second one is mixture okay students so next one is pure substance is also divided into two parts one is element and second one is compound pure substance also have its two types one is element second one is compound next mixture also have two types homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture okay students homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture it means that matter is matter have two types pure substance and mixture and pure substance is also of two types elements and compounds and mixture is also of two types homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture so students we will discuss in this chapter these all things and also we will try to differentiate or वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिच ऑल एंड वी विल ट्राई टू डिस्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर ओके स्टूडेंट्स सो लेट स्टार्ट प्योर सबस्टांस फर्स्टली वी टेक इन अकाउंट प्योर सब्सटांस प्योर सब्सटांस हैव टू टाइप्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एलिमेंट स्टूडेंट्स पहले हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सबस्टांस बाई केमिकल रिएक्शंस जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स क्लोरिन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिज ऑल आर एलिमेंट्स दिज और आर दिज ऑल आर एलिमेंट्स एंड वी कैन नॉट ब्रेक डाउन दैम इन टू मोर दैन दीज हम हाइड्रोजन को क्या और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं नहीं कर सकते स्टूडेंट्स कार्बन को और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते सो दीज आर द एलिमेंट्स दिस इज ऑल्सो क्लोरिन का एलिमेंट हाइड्रोजन गैस का एलिमेंट हम इनको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते इनके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते केमिकल रिएक्शन से तो दिज ऑल आर नोन एज मैटर्स, एलिमेंट्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज एलिमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स फर्स्ट वन इज मेटल सेकेंड इज मेटलॉइड एंड थर्ड वन इज नॉन मेटल्स सो फर्स्टली वी विल डिस्कस मैटल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वन बाई वन सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव लस्चर एंड सी सरफेस मेटल्स आर लश्चर एंड सैनी सर्फेस मेटल स्टूडेंट्स चमकदार होती हैं चमकीली होती हैं और उनका जो सरफेस होता है थोड़ा चमकीला होता है लस्टर होती है उसी को हम लस्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड वन इज कंडक्ट हीट आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हीट कंडक्ट हीट हीट एच ई ए टी स्टूडेंट्स इनको नोट no डाउन करते रहना साथ के साथ ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे बाकी इसके जो पीडीएफ है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी लिंक में आपको मिल जाएगा लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आप अपने हैंडमेड नोट से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे सो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट से मतलब क्या आता है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी कंडक्टर में से कोई भी कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया उसको अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं एक तरफ पॉजिटिव साइड से और एक तरफ नेगेटिव साइड से तो उसमें से कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सेकेंड वन इज़ अगर हम लोगों ने कहीं पे बर्न आग जला रखी है और आग के ऊपर हम लोगों ने कोई भी मेटल की चीज़ रख दी तो वो यहाँ से तो गर्म है जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसका दूसरे वाला एंड भी गर्म हो जाता है तो इट मीन्स दैट हीट विल पास थ्रू इट हीट विल पास थ्रू इट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो पास थ्रू इट तो हम क्या कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टीज दे आर डक्टाइल मलिएबल मालिएबल एंड सोनोरस स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशंस आएगी डक्टाइल की भी मालियबल की भी की डेफिनेशंस को हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डक्टाइल होता है जब भी हम किसी चीज़ की वायर बना सकते हैं इट मींस दैट दे कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स मालियबल मीन्स दे कैन बी बीटन इंटू थिंक शीट्स सोनोरस मीन्स दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग लाइक साउंड वैन हिट बाय एनी हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाकी स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे डक्टाइल की भी मलियबल की भी और सोनर्स की भी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एच जी इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी एंड इन लिक्विड स्टेट इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स ऑल मेटल्स आर सॉलिड ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी मर्क्यूरी को छोड़ के मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में मिलती है स्टूडेंट्स दिस इज द ओनली मेटल विच वी फाउंड इन लिक्विड स्टेट

और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं यानी कि समटाइम इट लाइक एक्स लाइक अ मेटल्स एंड टाइम इट लाइक एक्स लाइक अ नॉन मेटल एंड दोज आर द कंडीशंस सम कंडीशंस स्पेसिफिक कंडीशन विल बी गिवन टू मेटलॉयड्स व्हेन इट विल कंडक्ट लाइक मेटल एंड इन अनदर सिचुएशन इट विल कंडक्ट लाइक नॉन मेटल ओके स्टूडेंट्स तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटलॉयड्स आर इंटरमीडिएट ऑफ दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेक्स्ट नेक्स्ट इज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइट्स बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टूडेंट्स बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम बोरोन का सिम्बल बी होता है सिलिकॉन का सिम्बल एस आई होता है जर्मेनियम का सिम्बल स्टूडेंट्स जी ई होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ मेटलॉइट्स सो वी आर गोइंग फॉर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल्स सो वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स हैव वेराइटीज ऑफ कलर नॉन मेटल्स का कलर अलग होता है सम आर येलो समर ब्राउन ओके स्टूडेंट्स दे हैव वेराइटीज ऑफ कलर्स सेकेंड वन इज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसे मेटल्स थी स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करती थी जबकि नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी ओनली ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ग्रेफाइट का हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं Uh, जो हमारी पेंसिल uh, होती है ना स्टूडेंट्स तो पेंसिल के अंदर जो लेड बना होता है जिसको हम शार्प करते हैं अंदर से जिसके जिससे हम लिखते हैं वो वो हमारा क्या होता है ग्रेफाइट होता है क्या होता है स्टूडेंट्स वो ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो इसलिए हमें पेंसिल को शार्प करके हमें इलेक्ट्रिक शॉकेट के अंदर यूज नहीं करना चाहिए अदरवाइज यू विल गेट अ शॉक तो स्टूडेंट्स डोंट ट्राई दिस प्लीज सो नेक्स्ट इज आर नॉट लस्टर्स मालिएबल एंड सोनोरस एज वी टोल्ड एज वी हैव डिस्कस दैट मेटल्स आर डक्टाइल टाइल मालियबल एंड सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस ये चमक भी नहीं होगी इनमें मालिएबल भी नहीं होंगे और सोनोरस भी नहीं होंगे लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आता है आयोडीन क्या आता है आयोडीन आयोडीन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स आई आयोडीन लस्ट्रस होता है आयोडीन नॉन मेटल है

चौक के ऊपर हम लोगों ने कुछ भी एक हार्ड सॉलिड चीज से हिट किया तो चौक का पाउडर बन जाता है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स तो दिस प्रॉपर्टी इज इज नोन नोन एज एज ब्रिटल ब्रिटल दिस प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल नॉन मेटल्स कैसी होती हैं ही होती हैं लेकिन डायमंड एक्सेप्ट डायमंड डायमंड क्या है स्टूडेंट्स ब्रिटल नहीं है डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स फिर से आपके पास एक्सेप्शन आ गया ये आपको याद रखना पड़ेगा डायमंड इज अ नॉन मेटल डायमंड इज अ नॉन मेटल एंड हार्डेस्ट एलिमेंट टिल डिस्कवर्ड अब तक का जो हार्डेस्ट एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुआ है स्टूडेंट्स वो डायमंड ही है ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो आगे चले स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना तो स्टूडेंट्स हम लोग प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं अब आगे आता है कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स अब आता है कंपाउंड ओके स्टूडेंट्स सो कंपाउंड में क्या आता है स्टूडेंट्स कंपाउंड सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेट्स लेट अस टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड जस्ट लाइक कार्बन इज अ

केमिकली कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिटुएंट्स एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दे आर कॉन्स्टिटुएंट एलिमेंट्स इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं जैसे वोटर है वोटर एच टू इज द फॉर्मल ऑफ वाटर एच टू इज हाइड्रोजन विच इज इनफ्लामेबल विच इज इनफ्लामेबल जो कि इनफ्लामेबल स्टूडेंट्स इसमें तो आग लग जाती है एंड ऑक्सीजन विच हेल्प इन बर्निंग ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि एच टू ओ एच टू ओ जो बना है वो एच टू प्लस ओ टू के मिलने से बना है एच टू ओके स्टूडेंट्स एच टू ओ किसके मिलने से बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के मिलने से बना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड बना वो बना वाटर हाइड्रोजन इन्फ्लामेबल है और ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में और इन दोनों के मिलने से जो बना है स्टूडेंट्स वो बना है वाटर और वाटर तो आग को बुझाता है वाटर तो इसको जलने में हेल्प ही नहीं करता सो so, प्रॉपर्टी ऑफ वोटर इट मीन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलमेंट्स वोटर को बनाने में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है वोटर की तो हम कह सकते हैं कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी उसके कॉन्स्टिटुएंट एलिमेंट्स ओके स्टूडेंट्स लेट्स मूव फर्दर सो कंपाउंड इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज इन कंपाउंड सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑबटेंट फ्रॉम लिविंग सोर्स लिविंग सोर्स से जो भी हमें मिलता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल्स आर वेजिटेबल ऑयल एट्सेट्रा जो भी हमें ऑर्गेनिक चीजों से मिलते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे कंपाउंड्स सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके स्टूडेंट्स एंड सेकंड वन इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑबटेंट फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स जो भी हमें नॉन लिविंग सोर्स से या फिर हम प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स जस्ट लाइक चौक मार्बल एट्सेट्रा ये कभी हमें लिविंग से थोड़ा ही नहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स तो दीज आर द इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके स्टूडेंट्स

ऑनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल जस्ट लाइक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन है दिज ऑल आर द्योर सब्सटांस ऑल आर द्योर सब्सटांस नेक्स्ट कम मिक्सचर सो मिक्सर में क्या आता है स्टूडेंट्स मिक्सर इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर जो भी एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बनता है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलेंगे मिक्सर बोलेंगे ओके स्टूडेंट्स अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू अदर काइंडस ऑफ मैटर बाई फिजिकल प्रोसेस कोई भी एक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स उसको हम अलग दर, अदर टाइप के सब्सटेंस में या फिर मैटर्स में चेंज नहीं कर सकते बाई फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस कौन सी होती है स्टूडेंट्स बाई हैमरिंग बाई बॉइलिंग बाई एपरेशन एट्सेट्रा तो उससे हम चेंज नहीं कर सकते शूगर एंड सॉल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस एग्जाम्पल में कैसे हैं स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने वॉटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया सॉल्ट को वॉटर के अंदर डिजोल्व रखा था सोल्ट को सोल्ट का फॉर्मूला होता है, students, NACL. का क्या होता है? NACL, इसको स्टीम बन के यहाँ से चला जाएगा एवोपरेशन हो गया वहां से तो और जो इसके बीकर के अंदर बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा एन ए सी एल बट क्या हम इस एनए सी एल को गर्म करके इसमें से एनए एंड सी एल को अलग अलग कर सकते हैं नॉट पॉसिबल इट मीन्स दैट इट इज़ अ सब्सटेंस एन ए सी एल इज अ सब्सटेंस सिमिलर फॉर शुगर तो शुगर भी भी ऐसे है स्ट्रेंच हम लोग सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेसिस से अलग नहीं कर सकते इसको बॉयल कर लें हैमर कर लें इनमें से एन ए को सोडियम को और क्लोरिन को अलग अलग नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स ओके okay, स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो स्टूडेंट्स क्लियर स्टूडेंट्स सो so, नेक्स्ट वीडियो हम आगे फिर से करेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद वाला जो पोर्शन है आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होते हैं तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर गिवन है आप वहाँ पर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और स्टूडेंट्स इसके जो पी डी एफ नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हो वो स्टूडेंट्स सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा बहुत वहाँ से हेल्प ले सकते हो ओके स्टूडेंट्स टेक केयर बाय बाय ए नाइस डे